इंटरेस्टिंग इसलिए है कि जैसे जो आज की तारीख में हमारी जो जितनी भी कानून व्यवस्था है, हमारी ये फिल्म जो है उसको एक बड़े सटायर के अंदाज में हम इस फिल्म के माध्यम से कह के इस फिल्म के माध्यम से व्यंगात्मक अंदाज में सटायर के हिसाब से हम इस फिल्म के सामने पूरा फिल्म के माध्यम से पूरे परिदृश्य को रख रहे हैं। तो चिकन करी लॉ जो है कि भी जैसे हम सब्जी बनाते हैं, हम कोई भी व्यंजन बनाते हैं तो उसमें कई किस्म के इंग्रेडिएंट डालते हैं, तो ये ऐसे ही हमने पूरे के पूरे कानून को उस हिसाब से इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की है कि इसके अंदर एक ऐसी घटना घटित होने के बाद भी कैसे हम सिर्फ कानूनों के माध्यम से यदि हमें न्याय मिलता है तो कानून के माध्यम से कहीं ना कहीं हमको न्याय नहीं भी मिलता, ऐसी वाली स्थिति है कि हम इस फिल्म के माध्यम से जो दिखाना की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि कसूरवार को बेकसूर साबित करना ज़्यादा आसान है बनस्पत बेकसूर आदमी को बेकसूर साबित करने के, तो ये इसकी एक उस परिदृश्य के ऊपर ये फिल्म। सर आपका करेक्टर क्या है? मेरा किरदार जो है एक लॉयर का है जिसका नाम है सीतापति त्रिपाठी, सीतापति शुक्ला, और ये है तो लॉयर लेकिन लॉ की इन तमाम चीज़ों से और कानून की इन तमाम पेचीदगियों से वो बहुत ब्रिलियंट लॉयर है लेकिन पेचीदगियों से बेजार होकर वो पाव भाजी की दुकान खोल लेता है और पाव भाजी की दुकान लगाता है, पाव भाजी बेचता है अदालत के सामने, वो प्रैक्टिस नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसका ये मानना है कि ये सब जो है ये बिल्कुल पाव भाजी बनाने के जैसा है, चिकन बनाने के जैसा है, तो कोई मतलब नहीं, अगर मुझे कुछ बनाना ही है तो फिर क्यों ना मैं लोगों को भोजन बना के खिलाऊँ, लोगों का पेट तृप्त करूँ, लोगों को मैं कानून से न्याय तो नहीं दिलवा सकता तो कम से कम लोगों की के पेट को तृप्त करके मैं उनको आनंद और सुख तो दे ही सकता हूँ। तो वो अदालत के सामने ही पाव भाजी की दुकान लगाता है और बेचता है, फिर ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है कि एक बहुत ही संजीदा और बड़ा केस आता है और चूँकि उसके अपोनेंट जो होते हैं वो बड़े और सक्षम लोग होते हैं तो कोई लॉयर उसको हाथ नहीं डाल रहा होता, तो फिर कैसे एक सोशल वर्कर के माध्यम से ये बात सीतापति के पास आती है और सीतापति रिफ्यूज़ करता है कि मुझे बिल्कुल भी कानून में विश्वास है, कानून व्यवस्था में मुझे विश्वास नहीं है, उसकी वर्किंग में मुझे विश्वास नहीं है, तो मैं नहीं लड़ना चाहता, लेकिन इसको तैयार किया जाता है, फिर ये कैसे परस्यू करता है उस केस को, इन्वेस्टिगेट करता है और फिर अदालत में जाके खड़ा होता है और जो केस है वो फाइट करता है। सर इस विषय पे सर पहले भी बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं, जैसे दामिनी को ले लें तो कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि आपका जो चरित्र है, जो कैरेक्टर है, सर उससे थोड़ा सिमिलर है? देखिए क्या होता है कि विषय हमेशा अगर आप देखें तो विषयों में विविधता तो वही होती है, या ये कहें कि विषय कितने होते हैं, विषय ज़िंदगी में या तो लालच का है, लोभ का है, प्रेम का है, न्याय का है, इसके अलावा विषय संसार में कोई है नहीं जिसके ऊपर फिल्म बनती है, या सत्ता का है। अब इस विषय को कहने के तरीके सबके अपने अलग अलग होते हैं, तो मेरा ये मानना है कि ये जो चिकन करी लॉ है इसको कहने का तरीका बिल्कुल भी अलग है, जो मैंने किसी पूर्व की फिल्मों में नहीं देखा, और मुझे लगा कि चूंकि इसके अंदर एक किरदार के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि एक पढ़ा लिखा आदमी, एक जागरूक आदमी, एक सक्षम आदमी, टैलेंटेड आदमी, ये सोचते हुए वो सब कुछ वो कर सकता है जो अदालतों के अंदर होता है, अगर ये चालाकी करना चाहे, धूर्तता करना चाहे, लॉ के साथ खेलना चाहे तो वो खेल सकता है उतनी ही कुशलता के साथ, लेकिन वो कानून की तहे दिल से इज्जत करता है इसलिए लॉ के साथ वो खेलता नहीं है, शब्दों को और धाराओं को वो तोड़ता नहीं है, वो ये मान के चलता है कि शब्द और धाराएं या अदालत की जो कार्रवाई है उसके साथ हमको फ्लैटर नहीं करना चाहिए, उसके साथ हमको तोड़ मरोड़ नहीं करनी चाहिए, और चूंकि ऐसा नहीं कि वो तोड़ मरोड़ नहीं कर सकता, वो करना नहीं चाहता, और उस वजह से वो ये फैसला करता है कि यार मेरी जगह अदालत के अंदर नहीं है, अदालत के बाहर है, और अदालत के बाहर क्या है, वो चाहता तो जीविकोपार्जन के लिए टैक्सी चला सकता था अगर कुछ और करना चाहता, या पढ़ा सकता था, किसी कॉलेज में जा सकता था, लेकिन उसने रास्ता चुना किसका, कि अगर आप किसी का मन तृप्त करना चाहते हो तो या तो न्याय उसको दिलाओ, और अगर न्याय नहीं दिला सकते हो तो उसके अंदर की भूख को अगर आप शांत कर दें, उसकी जीव को यदि आप तृप्त कर दें और आदमी आपके स्वाद से लबरेज हो जाए, तो कहीं ना कहीं उस दिशा में पाव भाजी की दुकान खोलने का
प्रयास करता है कि मैं बहुत अच्छे से पाव भाजी भी बना लेता हूँ। तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति समाज से ही जुड़ा रहना चाहता है, लेकिन बुद्धि के माध्यम से नहीं, जीभ के माध्यम से, स्वाद के माध्यम से। सर जहाँ तक सर बात करें आपकी परफॉर्मेंस जिसकी वजह से दुश्मन और सर संघर्ष सर, उनको सर उनको देखने के बाद आप मतलब अदृश्य से ही मतलब आप टॉपिक नहीं चुनते, आपको लगता नहीं है कि ये फिल्म मेरे लिए नहीं है, या फिर आप सर कैसे टॉपिक आप चुन रहे हैं, क्योंकि हमने आपको एक हाई लेवल पे देखा है सर। जी देखिए क्या होता है कि जब ये बड़ी सुख की बात है कि किसी अभिनेता की ज़िंदगी में दुश्मन, संघर्ष, हीड़ा, जो एक मराठी फिल्म थी शबनम मौसी, या इस किस्म के चुनौतीपूर्ण किरदार जो विविधता से भरे हुए हों, वो उसको मिलते रहे हों और मिलते रहे हों और वो अच्छे से अभिनीत होते रहे हों, जिसकी वजह से दर्शक हो या मीडिया हो वो प्रशंसा करता रहा है कि यार आपको हमने दुश्मन में देखा, आपको हमने संघर्ष में देखा, आपकी फिल्म एक शबनम मौसी थी जो रियल लाइफ कैरेक्टर यूनक के ऊपर बेस्ड थी, उसमें आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, फिर मराठी फिल्म यीड़ा आई उसमें आपने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, फिर समर ऑफ 2007 या हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया जो करण जौहर की फिल्म थी। तो लोगों को आशुतोष राणा से विविध किस्म के किरदारों की अपेक्षा होती है और विविधताएं आपको रोज़ रोज़ नहीं मिलती, वो आपको कहीं ना कहीं उन विविधताओं के लिए या तो आप अपने आप को रिपीट करते रहें वैसे ही जैसे दुश्मन में किरदार मिले हैं या संघर्ष में किरदार मिले हैं, तो या तो वैसे ही किरदारों का एक सिलसिला लगा दें। यदि आप नहीं लगाना चाहते और आप अलग अलग चीज़ों को करना चाहते हैं तो आपको धैर्यपूर्वक कहीं ना कहीं इंतज़ार करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है और कोशिश ये करनी पड़ती है कि जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई विविध किरदार आए तो वो आप पूरी ईमानदारी के साथ उसको निभा पाए। और चूंकि दुश्मन और संघर्ष जिस हाई वोल्टेज के किरदार थे, अब उसके ऊपर के किरदार जब तक लिखे नहीं जाएंगे तब तक आशुतोष राणा उन आपको अब चिकन करी लॉ जो है उसमें सीतापति शुक्ला के किरदार में मैं दुश्मन और संघर्ष की इंटेंसिटी और एनर्जी कैसे डाल सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि चूंकि आपने एक ओवर में 6 गेंदों पर 6 छक्के देखे हुए हैं तो आपको बाकी के 3 चौके या 4 चौके आपको आनंद नहीं देते। क्यों? क्योंकि आपकी अपेक्षा ये होती है कि 6 छक्के आपने मारे एक ओवर में, हर ओवर में आप 6 छक्के मारिए, तो ये संभव नहीं है। जी सर, मैं सर आपसे ये व्यक्ति के तौर पर पूछना चाहता हूँ कि जितनी भी फिल्में अभी हाल फिलहाल में रिलीज़ हुई हैं या फिर एक दो साल पहले की जाएँ, सर कोई एक कैरेक्टर जो आपको पसंद आया हो किसी और के द्वारा किया गया, काश मैं ये कर पाता तो मैं और अच्छे से कर पाता, ऐसा कोई कैरेक्टर? मेरा अपना ज़िंदगी के बारे में सोचने का नज़रिया ये है कि आपके हिस्से में जो काम आ रहा है वो वही काम आ रहा है जो आपके लिए है, और किसी दूसरे के हिस्से में कोई जो काम आ रहा है वो उसी के लिए है। तो मैं कभी भी किसी दूसरे की परफॉर्मेंस देख के काश जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। और मुझे लगता है कि इस व्यक्ति के हिस्से में यदि कोई चुनौतीपूर्ण किरदार आया है तो ये इन्हीं के हिस्से का था और इन्होंने इसके अंदर कितनी खूबसूरती के साथ उसको अंजाम दिया है। मैं उस बात का मुरीद हूँ, तो मैं बड़ा अच्छा दर्शक हूँ और मैं बड़ा अच्छा अप्रिशिएट करने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और तो इस वजह से मैं ये वाली मानसिकता कि काश ये रोल अगर मैं करता, अगर मेरे लिए होता तो वो मुझ तक आता, वो उनके लिए था। इस चक्कर में हम पता लगा अपने चक्कर में उनके द्वारा किए गए अच्छे काम को हम देख ही नहीं पा रहे, सराह ही नहीं पा रहे। तो मैं चूंकि मेरी मानसिकता ये कहें या सोच ये कहें कि थोड़ा सा अजीब किस्म का है, तो मैं उसको कभी भी काश का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करता। आशुतोष जी, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा, जैसे कि आप स्पेस में हैं, ठीक है, स्पेस में हैं, और आपने बताया कि हम जो है कभी कभी हमारे जो इस तरह से आते हैं लोग, इस तरह से आते हैं कि वो सही तो होते हैं लेकिन उनको दुनिया गलत बताती है, गलत होते हैं वो सही करके अपने आपको पेश करते हैं। ये चीज़ आप सलमान खान का हमने एक केस देखा अभी हाल ही में। अभी हमको लगता है कि हमको इस फिल्म के संदर्भ में ही अगर चर्चा करेंगे, हम कितना मानते हैं इस फिल्म के संदर्भ में अगर आप चर्चा करेंगे तो मुझे ज़्यादा आनंद मिलेगा, क्योंकि और ये मेरे पेशे के साथ खुददारी भी होगी कि चिकन करी लॉ वालों ने आपको इनवाइट किया है, चिकन करी के सेट के ऊपर हम खड़े हैं और चिकन करी के बारे में अगर बात ना करके हम उन चीज़ों के बारे में बात करें जिनके फैसले हो चुके हैं और जिसके ऊपर अगर हम, मैं कानून और अदालत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ एक व्यक्ति के रूप में, और मेरा ये मानना है कि यदि अदालत ने कोई फैसला ले लिया है
तो वो उस फैसले के ऊपर फिर चुनौती हमें नहीं देनी चाहिए। और चुनौती अगर देनी है तो उसकी प्रक्रियाएं हैं, उसकी प्रक्रिया ये है कि अगर आप लोअर कोर्ट से हार गए हैं तो हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट से अगर आप हार गए तो सुप्रीम कोर्ट में जाइए। लेकिन उसकी उसके ऊपर चुनौती हम और आप चौराहे के ऊपर खड़े होकर करें तो मुझे लगता है कि एक नागरिक के नाते ये देश के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कानून पसंद आदमी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मेरे लिए संविधान उतना ही पूजनीय है जितनी भगवान राम की मूर्ति, भगवान कृष्ण की मूर्ति, या मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए लोग, या गुरुद्वारे में रखे हुए गुरु ग्रंथ साहब। तो मेरे लिए वो अदालत जो है वो निश्चित रूप से एक व्यक्ति के रूप में मंदिर है, और मंदिर से उठी गई कोई भी ध्वनि मेरे लिए प्रश्न का विषय नहीं है, आदेश का विषय है, आचरण का विषय है। सर आशुतोष, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी लाइफ में कभी चिकन करी लॉ हुआ है, कभी कानून के द्वारा आपका शोषण हुआ है? देखिए, अभिनेताओं की ज़िंदगी में अगर अभिनेता कुछ कर रहे होते हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि उनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ घटित हुआ। हम लोगों के पास एक बहुत अच्छी चीज़ परमात्मा ने दी है कि एक होती है स्वानुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ हैपनिंग, और एक होती है परानुभूति कि आपके द्वारा यदि कुछ घटित हुआ है या आपके ऊपर कुछ हुआ है तो हम उसकी अनुभूति करके हम आपको जनता तक पहुंचा दें। तो आवश्यक नहीं है कि आशुतोष की निजी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाकया हो, हम और आप सब समाज के हिस्से हैं और समाज के अंदर चलने वाली विचारधाराओं को हमारा ये काम ही है कि जो पूरी की पूरी सामाजिक बात है वो एक व्यक्ति के माध्यम से यानी किरदार के माध्यम से आप वापस समाज तक पहुंचाते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सभी दर्शकों को नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। परमात्मा आपको आपकी मन की आपकी इच्छाओं की पूर्ति का ये वर्ष बनाए 2016, ऐसी हमारी प्रार्थना। थैंक यू सो मच। मक्खन जी, चिकन करी लॉ हम देख रहे हैं, आप लॉ के सूट बूट में आए हैं, वकील, जहाँ तक मेरा नॉलेज है वकील बने जी, आप अपने व्यूअर्स को बताइए कि क्या किरदार है आपका चिकन करी लॉ में, कहाँ क्या करने वाले हैं? चिकन करी लॉ मतलब लॉ चिकन करी की तरह है, मतलब चिकन करी किसी के साथ भी खा सकते हैं, वैसे लॉ कहीं भी जा रहा है, थोड़ा कटाक्ष है। तो ये एक महिला पर रेप, और वो भी विदेशी महिला है, तो उसे इस देश में अपना कानून क्या न्याय दे सकता है? तो मैं कर रहा हूँ, मैं आप मुझे विलन कह सकते हैं, मैं मतलब मैं लॉयर हूँ लेकिन मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ, मैं उस रेपिस्ट को बचाने के लिए, आई एम द डिफेंस लॉयर। सो अब उसने रेप किया हुआ है लेकिन उसका जो कनेक्शन है, उसकी क्षमता है, उसकी जो ताकत है जिस कारण वो बच सकता है, तो सामने आशुतोष राणा है जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सज़ा देने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं हूँ जो कि बचा जा। तो एक अलग सा संघर्ष है जिसमें लॉ कानून बीच में आता है कि कानून क्या न्याय दे सकता है। अब मज़ेदार बात यह है कि कानून को सबूत चाहिए होते हैं, तो कानून के सामने कौन सबूत रख सकता है जिसके पास ताकत है? तो थोड़ी विडम्बना है, इसकी विडम्बना है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कानून तो अपनी जगह सबसे पावरफुल है अपनी अपने इस देश में, लेकिन लेकिन हाँ, क्योंकि नहीं तो कैसे हो। तो अब वो अगर कोई खड़े कर सकता है या कोई झुठला सकता है, तो मेरे ख्याल से हम वहाँ पर कानून की हार मानते हैं, पर मुझे नहीं लगता कानून जीतता है या हारता है। कानून कानून है, उसके इर्द गिर्द की जो व्यवस्था है वो मेरे ख्याल से मारता है। नहीं, मतलब मेरा तो जॉब है, मैंने तो केस लिया हुआ है, मैं कोई भी केस हारता नहीं हूँ, तो मेरा किरदार वही है जो उल्टा ऐसी केस की तलाश में रहता है जो बिल्कुल ही हारी हुई हो, और फिर उसे ओपन एंड शट केस को लेकर उसे जीतना, ये मेरा ख्याल। आप जीतने वाले? हाँ बिल्कुल, मुत्तु स्वामी नाम है मेरे कैरेक्टर का, तो
थोड़ा सा अय्यर दिखाए गए, इसलिए ये रखा हुआ है। थोड़ा किरदार, थोड़ा सा लैंग्वेज में भी देखिए कितना साकार कर पाता हूँ। आज पहला दिन है तो अच्छा लग रहा है। पहले दिन का कैसा था एक्सपीरियंस आशुतोष और आप दोनों आमने सामने? आशुतोष और मैं इसके पहले भी काम कर चुके हैं और बड़ा मज़ा आता है। बहुत ही सक्षम एक्टर है और बहुत काम कर चुका है तो, और हम दोस्त भी रहे, मतलब हम कह सकते हैं एक्टिंग दोस्त, तो एक दूसरे के साथ करते समय हम बहुत ही कंफर्टेबल हैं। और एक जाकिर भी है हमारा, जाकिर हुसैन बहुत कमाल का एक्टर है, मुझे ऐसा लगता है द मोस्ट, ही इज़ नॉट अंडर रेटेड बट मे बी लेस पॉपुलर, बट आई थिंक इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स वी हैव। देन दिस गर्ल हुज प्लेइंग माया foreigner, Natalie. I think Natalia is a fantastic, I think she's also very good. So we are all in all, and that I think the best part is about the director. Director is pretty calm, there's no tension on the set. And cameraman Suresh, I think the frames are looking wonderful, and it's going to be a neat, clean production. That's what I can see. Production is very, very good. The assistants and the costume designer, Anisha, I think they are all doing their jobs well, and they are trying to be truthful to the film. So I'm happy to be on this film. इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपके जितने भी, हमने अभी आपसे बात की, जितने भी आपके फैन फॉलोअर्स हैं वो ऐसा कहते हैं कि बहुत ही कम फिल्में करते हैं आप, दिखाई नहीं देते। स्वदेश एक ऐसी फिल्म की थी जो आप शाहरुख खान के काफ़ी करीबी भी हैं, तो उसके बाद आप ऐसे फिल्में नहीं कर रहे हैं या कम फिल्में कर? क्या हो रहा है कि मैं थोड़ा सा थिएटर की तरफ मुड़ गया, जो पहले से था, फिर ज़्यादा समय मैंने थिएटर को दे दिया, रंगमंच को जैसे थे समय दे दिया, तो फिर यहाँ फिर आना नहीं हुआ। पर ज़रूर मैं चाहता हूँ कि यहाँ हूँ। अभी RGV के साथ भी एक फिल्म की है तो वो रिलीज़ हो जाए, और हिंदी चिल्ड्रन फिल्म की थी मैंने, वो शायद हो सकता है रिलीज़ हो जाए। बाकी मराठी फिल्म अब फिर से कर रहा हूँ, तो बहुत जल्द फिर से शुरू हो जाएगा सब। अब एक बार वो बोलते हैं ना, एक बार शुरू हो जाता है फिर रुकता नहीं है। हाँ, मैं ज़रूर दूर रहा फिल्म सिनेमा से। हम कभी ऐसे देखेंगे आपके जो करीबी दोस्त हैं बॉलीवुड के, उनके साथ में भी लाइक शाहरुख सलमान आमिर कुछ होना चाहिए, मतलब मज़ा आएगा। पर अभी सब बहुत बड़े हो गए हैं सब लोग, पर ज़रूर जब भी मौका मिले मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप, हाँ कभी मिले तो बोल ही दूँगा कि काम करेंगे। क्या आपने कहा कि बहुत बड़े हो गए, तो कहीं ऐसा भी तो नहीं कि भूल गए? नहीं नहीं, कोई भूल नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर हम बात करने जाए तो हमें आमिर से तो बात भी होती है कभी कभी, लेकिन शाहरुख से बहुत वक्त हुआ बात नहीं हुई। पर मेरे ख्याल से अगर इर्द गिर्द कहीं हैं शाहरुख और मैं यहाँ, उसे पता चले तो मिल भी लेगा। उतना हमारा पुराना, इसके को बहुत पुराना रिश्ता है ना, तो ऐसा रिश्ता है कि मुझे नहीं लगता कि वो भी भूलेगा। जहाँ तक मैं शाहरुख को जानता हूँ, आमिर, आई थिंक ये लोग ऐसे हैं जो कभी भूलेंगे नहीं। और कैसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो, उन्हें भी पता है आप क्या कर रहे हो। सी आई थिंक दे आर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड, इफ़ नॉट दे विल फाइंड आउट ऑल्सो दे रिक्वायर्ड। आई एम से व्हेन आई सेड बहुत बड़े, मतलब वाकई में काम, और एक अभी अपने यहाँ तो दे बिकम आइडियलाइज कर लिया हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मुश्किल होता होगा। और मेरा नेचर भी नहीं है कि मैं बहुत मिलूँ किसी से और उतनी मेहनत करूँ, क्योंकि मेरा अपना जीवन जो है बहुत ही साधारण जीवन है, तो वो अपना जीता रहता हूँ। Wish you all the best. Thank you so much. Thanks, sir. चलेगा, नो प्रॉब्लम, अभी हम इसका ले लेते हैं। मैसेज में दिया था मुहूर्त ना, चले हम ऐसे ही शॉट में हैं। मेकिंग में जाए वीडियो, मेकिंग में जाए वीडियो, मेकिंग में जाए वीडियो। हां, सगा सचिन ने सही तो पार्टी देगा।
नहीं, इसीलिए मैडम मैं सामने से बोल दिया।